Thank you. Wait, Babi. Huh? Aye, aye. दिख रहा हो? आओ, आओ, बेटा आओ. ये इश्तिहार आप ही ने दिया है ना, मही मैरिज ब्यूरो. हाँ हाँ, हमने दिया है. मैं मही मेहता. आइए आइए, बैठे. आओ आओ, बैसो बैसो. वो तो क्या है ना कि बार बोर्ड नहीं लगाया है ना आपने. हाँ, वो क्या है ना, बनवाने के लिए दिया है तो बस आ ही जाएगा. हाँ मही बहन, कहिए. मैं हूँ नीरू पंड्या और ये मेरी बेटी दीपाली पंड्या. जय अम्बे. मैं इसके लिए ही लड़का ढूंढ रही हूँ. अगर आपके पास कोई हो तो मैं इसका बायोडेटा आपको देती हूँ. ये इसका बायोडेटा. वाह वाह वाह, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अच्छे से सब हो जाएगा. आप ना बस ये फॉर्म भर दीजिए. ये फॉर्म भर के लेकर आना. हाँ वैसे दीपाली, तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? लड़का तो बस अच्छा होना चाहिए. और हाँ, वो ना कमाता भी अच्छा हो. और मुझे पत्नी की तरह नहीं बल्कि दोस्त की तरह रखना चाहिए. और हाँ, और एक बात, वो ना मुझे बहुत घुमाए. अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं दीपाली बहन, आपकी शादी हो जाएगी. अब बिल्कुल टेंशन मत लेना, मस्त बिंदास घर पर जाना. हाँ हो जाएगी हो जाएगी. ये आपकी फीस? नहीं नहीं, मैं रिश्ता पक्का होने के बाद फीस लेती हूँ. आप कितनी अच्छी है मही बहन. वैसे तो कोई भी मैरिज ब्यूरो में जाओ ना तो वो पहले फीस मांगते हैं, फिर उसका रजिस्ट्रेशन करके बात आगे बढ़ाते हैं. मेरे रिश्तेदारों में बहुत कवारे लड़के लड़कियां हैं. मैं सबको आपके मैरिज ब्यूरो का नाम सजेस्ट करूंगी. हाँ हाँ, जरूर करना. वो क्या है ना आंटी, मेरे पब्लिसिटी के पैसे बच जाएंगे. चलो अब हम निकलते हैं. हाँ हाँ, नमस्ते. जय अम्बे. वाओ मही, कांग्रेचुलेशन, तुम्हें तो पहला कस्टमर मिल गया. मस्त. पहला नहीं सोनिया भाभी, दूसरा. वो कैसे? अरे वो तम्मा तम्मा मासी का बेटा है ना रवि भाई. हाँ. तो उनका बायोडेटा भी मैंने कल रात को ही मंगवा लिया था, तो हो गया ना डबल डबल. मस्त. मही, ये जो माँ बेटी आए थे ना, वो बहुत उम्मीद के साथ आए थे. अगर उस लड़की को लड़का नहीं मिला तो? ऐसा हो ही नहीं सकता सासुमा, क्योंकि ऊपर वाले ने हर एक के लिए जीवन साथी ढूंढ के साइड में रखा ही होता है. हमें तो बस उन्हें मिलाना होता है. मुझे पक्का यकीन है दीपाली को अच्छा जीवन साथी मिल ही जाएगा. कैसे? सासुमा, रवि दीपाली, दीपाली रवि. क्या? रवि और दीपाली? नो नो नो, पॉसिबल ही नहीं है मही. दोनों एकदम डिफरेंट पर्सनालिटीज है, दोनों के विचार एकदम अलग है. एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण है. ये रिश्ता हो ही नहीं सकता. सासुमा आप बस देखते जाइए, ये रिश्ता तो होके रहेगा, वो भी आज ही. आइए तम्मा तम्मा मासी. रवि भाई आओ आओ आओ. हेलो अनुसया. हाय तिलो तम्मा, आओ आओ. कैसे हो रवि? मैं बहुत अच्छा हूँ. बैठो बैठो. बैसो बैसो. वाओ मॉम आउट हो गया, देखो मस्त. मही बहन, लड़के वाले नहीं आए अब तक? बस आते ही होंगे. मही बहन. अरे लो आ गए. रवि, दीपाली. हाय. लेकिन मैंने तो आपसे कहा था ना, मुझे सलवार सूट वाली लड़की चाहिए. नहीं. हाँ सासुमा, एक मिनट जरा. रवि भाई, पहले थोड़ी बातचीत तो कीजिए. अच्छा चलो चलो, बड़े लोग के सामने बात नहीं होगी, थोड़ा पर्सनल टॉक्स. चलो चलो. क्या खेलती है, तेज भी अतिले अतिले जीतती है. सोनिया सोनिया. हाँ. वेरी गुड वेरी गुड. अब तुम जाके अंदर तुम्हारे रूम में कैरम खेलो. ओ हाँ मॉम, सुने ने तो पिछली बार 85 रन बनाए थे, अब 50 रन बनाने और बाकी हैं. ओके ओके, मैं जाती हूँ. बाय. एक्सक्यूज मी. कैरम में रन? हाँ, हमारी सोनिया तो कैरम में ही रन बनाती है. बातें हो गई. आओ रवि भाई, बैसो बैसो. दीपाली बहन, बैसो बैसो. आओ बेटा. तो कैसा रहा? मही जी, हमारे विचार बहुत ही अलग है.
हम दोनों में कोई मेल ही नहीं है। आई न्यू इट, मुझे पहले से ही पता था। मैंने तो वही को बोला भी था कि ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटीज है, इन दोनों की सोच मैच हो ही नहीं सकती। एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण। सासू माँ, मैच ना हो उससे मैं तो जिंदगी का मजा है। आपको पता है मेरे और सागर जी के विचार बिल्कुल भी मैच नहीं होते थे, फिर भी हम लोग जी रहे हैं ना जिंदगी मजे से। आपको पता है सासू माँ और पापा जी के विचार भी मैच नहीं करते थे, अरे यहाँ तक कि सोनिया भाभी और रोहित भैया के विचार भी मैच नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हम सब लोग जी रहे हैं ना जिंदगी अच्छे से। अगर पति पत्नी के विचार एक होंगे ना तो जिंदगी जीने का कोई मजा ही नहीं आएगा। पति पत्नी का कहा मानेगा और पत्नी पति का कहा मानेगी, फिर तो रोज यही होगा कि मीठा खाओ और सो जाओ, मीठा खाओ और सो जाओ। अब आप ही सोचिए आंटी, अगर रोज मीठा मीठा खाओगे तो मजा आएगा क्या? नहीं ना। और हम तो खाना भी रोज अलग अलग खाते हैं, तो ये तो रिश्ता है। अगर रिश्ता सारी जिंदगी एक ही लाइन में चलता रहेगा ना तो लाइफ तो बोरिंग हो जाएगी यार। वैसे मही भाभी आपकी बात ना बिल्कुल सही है, मुझे ना ऐसी बोरिंग जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं। बस तो फिर एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ लीजिए और फिर जिंदगी का मजा लीजिए, है ना नीरू मासी? हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर ये रिश्ता पक्का? एकदम पक्का, एकदम पक्का। दीपाली बेटा सासू जी ना पैर छुओ। जी पैर छुओ बेटा। कुछ रहो कुछ रहो। अम्बे माँ आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। चलिए अब जब रिश्ता पक्का हो ही चुका है तो दोनों पार्टीज मेरी फीस निकाले 5,000-5,000 रुपए। मही मेलेट बिलो की पहली बोनी आप दोनों की तरफ से। थैंक यू अम्बे माता। अम्बे माँ ये मेरी पहली कमाई है ना, तो इसमें से 2,000 रुपए मैं आपके लिए खर्च करूंगी, चलेगा ना? प्लीज। 2,000 रुपए में अनाथ आश्रम के लिए और 2,000 रुपए वृद्धाश्रम के लिए, बाकी के 4,000 रुपए उसका क्या करूं? सासू माँ ये लीजिए 4,000। मैं जानती हूँ सासू माँ ये पैसा आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इन पैसों से ना अपने लिए कुछ खरीदे, कम से कम चप्पल तो आ ही जाएगी, है ना? सासू माँ अगर आप ऐसा करोगी ना तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तुम्हारी यही थोड़ी बहुत अच्छाई की वजह से मैंने तुम्हें मेहता परिवार की बहू का दर्जा दिया है।